गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब जैतोवाल पहला शहीदी जथा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फैसले अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब तो 500 सिंघां दा पहला जथा 9 फरवरी 1924 ईस्वी नूं बसंत पंचमी के दिन रवाना होया, तां जो श्री ननकाणा साहिब के शहीदी साके के दिन नूं मुख रखदिआं 21 फरवरी नूं जैतो पुज जावे। श्रोमणी कमेटी वालों इस पहले जथे दे जथेदार वजों जथेदार सरदार ऊधम सिंह नागो के नियत किए गए सन, पर उन्हां दी रवानगी तो पहला गिरफ्तार किए जाण कारण जथे दे जथेदार वजों सरदार ऊधम सिंह वरपाल नूं सेवा सौंपी गई। जथेदार तेजा सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों जथे नूं मन बच करम करके शांतमई रहण दा संदेश दिता गया। हैड जथेदार वजों ऊधम सिंह वरपाल, जथेदार सरदार जगत सिंह ते मीत जथेदार सरदार केसर सिंह खतराए कलां सेवा निभा रहे सन। जथा चब्बा, श्री तरन तारण साहिब, नौशहरा पनुआ, सरहाली कलां, मरहाणा, मखू, जीरा, तलवंडी भाई, मुदकी, बरगाड़ी आदि थावां तो हुंदा होया जैतो पुज्या। जथे नाल रागी भाई ज्वाला सिंह कपूरथले वाले अते ढाडी भाई किशन सिंह भी अपनी सेवा निभा रहे सन। जथे विच श्री अमृतसर, लायलपुर, शेखूपुरा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, हुशियारपुर अते रियासतां दे पूर्ण भरोसे वाले नामबाणी दे रसीए रहत दे धनी शांतमई रहण वाले सिंघां नूं शामिल कीता गया। जथे दे सिंघां दे चेहरियां तों गुरू सनमुख शहीदी पाउण दा उत्साह अते चा झलक रिहा सी। जथा शांतमई मार्च करदा होया अगे वधदा जा रिहा सी, जिस दे कारण सरकार नूं तशद्दद करन दा कोई मौका ना मिलिया। 21 फरवरी नूं जदों जथे दा पड़ाओ बरगाड़ी सी, अमृत वेले दे दीवान समय महाराणी फरीदकोट भी पहुंची। इसे पड़ा दौरान जथे नूं नाभे दे हाकमां दा फुरमान मिलिया कि गुरद्वारा गंगसर विखे 50 सिंघ ही जा के श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कर सकते हैं। जथेदार ने सरकार दे तानाशाही फुरमान नूं ना मंनदिआं दीवान उपरंत 12 बजे दे करीब चाले पा दिते। जथेदार सरदार जगत सिंह तोड़ सब तो अगे सन, ऊठ ते धौंसा वज रहा सी। अगे अगे 5 निशानची सिंह सन, विचकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी नाल हैड जथेदार ऊधम सिंह वरपाल सन, सब तो पिछे मीत जथेदार सन। घोड़सवार पुलिस जथे दे निगरानी रख रही सी। रियासत फरीदकोट दे कर्मचारी पल पल की खबर हाकमां तक पहुँचा रहे सी। जथे दे सिंघां ने नाभा रियासत दे कर्मचारियों वल्लों बनाए मार्ग राही ना चलदियां खेतां विच्चों गुरद्वारा टिब्बी साहिब वल चाले पा दिते। जथे नाल ज्यादा संगत होण कारण पुलिस वल्लों जथे नूं रोकण दा ख्याल छड्ड दिता गया, पर रियासत फरीदकोट अते नाभा दी हद ते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, प्रिंसीपल ए टी गिडवानी ते न्यूयॉर्क ट्रिब्यून दे पत्र प्रेरक मिस्टर सेवल जिमान दी कार रोक ली गई ते अगे ना जाण दिता गया। जदों जथा गुरद्वारा टिब्बी साहिब तो 150 कदम ते सी तां नाभे दे प्रबंधक मिस्टर जॉनस्टन ने जथे नूं रोकदिआं कहा कि 50 सिंघ ही गुरद्वारा श्री गंगसर जा सकते हैं ते उलंघना करन वाले ते गोली चलाई जाएगी। गुरद्वारा साहब वल जांदा राह भी तंग कर दिता गया सी। इस दे एक पासे कंडियाली तार लाई गई ते दूजे पासे कंडियालियां तारां नाल भरे 100 गड्डे लम्मी कतार विच जंजीरां नाल जकड़े खड़ाए गए। रस्ते दे दूजे सिरे ते भी जथे नूं नखेड़ के गिरफ्तार करन दे पूरे प्रबंध किए गए सन। जथे ने गुरद्वारा टिब्बी साहिब वल रुख किया तो एडमिनिस्ट्रेटर वालों इशारा करन ते जथे उपर तिन्ना पासियां तो गोली चलनी आरंभ हो गई। 2:45 तो 2:47 तक लगातार 2 मिनट गोली चलती रही। फिर कुछ समा बाद 2:55 तो 2:58 तक 3 मिनट फिर गोली चली। चलदी गोली विच भी सिंघ अगे वधदे गए, जिस दे कारण कट्टा जमीन तो चढ़ के अंबर तक फैलन कारण 4 छुफेरे हनेरा जिहा छा गया। इस वेले संगत दे उत्साह अते विश्वास विच होर वाधा हो गया जदों उन्हां असमान ते बाज गेड़े कढ़दा वेख्या। सिख विश्वास विच बाज दे संकेत नूं गुरु साहिब दी प्रवानगी वजों स्वीकारिया जांदा है। इसे दौरान एक बीबी जिस दे कुछड़ चुके भुचंगी नूं गोली विन्न गई सी, उह शहीदी प्राप्त कर गया। बीबी ने शहीद भुचंगी नूं धरती ते रखदिआं कहा, सच्चे पातशाह इहदी तां निभ गई, मेरी भी निभा लिओ। भावें इस दौरान कई सिंघ शहीदियां पा गए, पर सिंघां दे जज्बे विच कोई कमी ना आई। सिंघ अगे वधदे गए ते गुरद्वारा टिब्बी साहिब पहुँच के जा निशान साहिब चला दिता। टिब्बी साहिब पहुँचदिआं जख्मियां नूं संभालण अते शहीद सिंघां दीआं देहां चुकण दा यतन किया गया। कुछ सिंघां ने गुरद्वारा श्री गंगसर साहिब वल चाले पा दिते।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਗਏ। ਜਥੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿਆਸਤੀ ਹਾਕਮ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਡੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਛਵੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 250-300 ਜਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਵਲ ਕਾਂਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।